Assalamualaikum, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं इस टाइम लगा रही हूँ गार्नियर का टिश्यू मास्क स्किन एक्टिव हाइड्रा बाम। तो ये है कि सुबह फरमान 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं अभी कुछ दिनों से नाप ले लेती थी, मगर आज मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा जो गला था वो काफ़ी ख़राब था और मेरी जो नोज़ी थी वो भी बहुत ज़्यादा ही रनी हो रही थी, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान रही हूँ। तो मेरे यह था कि मैं काम तो बहुत ज़्यादा ही कर रही थी उस टाइम भी, मगर फिर भी मेरे बहुत से काम रह भी गए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ थोड़े से जो मेरे काम रहते हैं वो मैं आज से शुरू कर दूँ। एक दिन में तो नहीं होंगे, तो बस इस वजह से मैं जाग भी रही थी। और ये जो मास्क था ये मैं इस वजह से भी लगा रही थी कि मुझे दो दिनों से ऐसा लग रहा था कि मेरा जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे डल सा लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं ये टिश्यू मास्क लगा लूँ। और वैसे मेरा इरादा है सलून जाने का, मगर थोड़ी सी ईद करीब आ जाए और मुझे फेशियल भी करवाना है और भी बहुत कुछ करवाना है, मगर मैं थोड़ा सा ईद का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या करूँगी। उसके बाद बस मैंने मास्क लगा लिया था और ये देखें यहाँ पर इतने सारे कपड़े, पूरी जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट है वो फुल हुई हुई थी। और ऐसा वैसे कभी होता नहीं है, मगर लाइफ है। तो यह था कि मेरे जो बर्तन भी होते हैं ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे जैसे जो भी बर्तन यूज़ कर रही हूँ मैं वैसे वैसे उसको धोती भी रहूँ। तो ये जो कपड़े हैं ये ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा हो गए थे और ये मज़ीद ज़्यादा ही होते जा रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी कि मैंने बस इनको आज वॉश करना ही करना है। तो बस ये एक ही गो में बस चले गए थे, मगर काफ़ी ही सारे जमा हो गए थे। उसके बाद बस फिर मैंने एक दो और काम थे मेरे किचन में वो मैंने किए, और उसके बाद मैं 15 मिनट हो गए थे और मैंने ये मास्क उतार दिया था, और जो रिमेनिंग रह गया था इस पैक के अंदर तो उसको मैं ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो वो भी बस फिर मैंने लगा लिया था। यहाँ पर बस दिखा रही थी अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो। मुझे तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी मैं अच्छा फील कर रही थी, मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ग्लो भी कर रही थी। अच्छा, मुझे ना एक्ने हो रही है, हालांकि कभी लाइफ में नहीं हुई है, बहुत कम बहुत कम, मगर पता नहीं अभी फिर कुछ दिनों से मुझे एक्ने हो रही है। उसके बाद बस फिर मैं आ गई थी, मुझे कबाब बनाने थे क्योंकि अभी भी मेरी कुछ ऐसी फ्रोज़न चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं रमज़ान की, तो बस ये कबाब भी रह गए थे जो कि ये हैं टर्किश कबाब, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें ये क्रीम भी मैं डाल रही थी क्योंकि क्रीम से काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और ये बहुत मज़े के कबाब होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये बना रही थी। तो बस सुबह से यूँ समझें कि जब से फरमान ऑफिस गए थे तब से मैं बस काम ही काम कर रही थी, एक फिनिश करती थी तो दूसरा शुरू कर देती थी। तो पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि मैं रोज़े में नहीं करती हूँ काम, मगर यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ्तारी के बाद मैं, अब मुझे नहीं पता कि और सब होते होंगे कि नहीं, मगर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ और मेरा कुछ भी काम करने का दिल नहीं जा रहा होता है। बस अब मुझे नहीं पता कैसा सबके साथ हो रहा है, या शायद मैं ही
हूँ ऐसी कि मैं इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये कबाब बना लिए थे, अब इसको मैं साइड पे कर दूँगी। और बस थोड़ा सा ना इस टाइम मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे थोड़ी सी एक घंटे की नाप ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी इस टाइम। बस फिर मैंने ये बाहर ही रख दिया था क्योंकि मेरे फ्रिज में जगह नहीं थी। और देखें, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, देखिए मैंने फौरन ही ये वाले बर्तन भी धो दिया थे। उसके बाद वाकई ही मैंने फिर एक आधे घंटे की नाप ले ली, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। और इस टाइम हो गई थी 3:30। तो बस ये था कि मुझे बहुत परेशानी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं 3 बजे आ जाती हूँ और 3:30 ऐसे हो गए थे कि मैं तकरीबन मुझे 30-35 मिनट्स तो नमाज में लगते ही हैं। तो बस नाप लेने के बाद मैंने नमाज पढ़ ली थी सबसे पहले ज़ुहर की, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद बस फिर मैं आ गए थे इफ्तार बनाने के लिए। और बस यहाँ पर मैंने अपना जो डाइनिंग टेबल है वो भी सेट कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा भी जो मुझे टाइम मिल रहा होता है ना, मैं वैसे वैसे जो जो काम मैनेज करने की कोशिश कर रही होती हूँ तो वैसे वैसे मैनेज कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक्स भी आज बनाने थे, तो वो भी मैंने मैरिनेट कर लिए थे, मगर मैंने बस आप लोगों को नहीं दिखाया। उसके बाद यह था कि मुझे एयर फ्रायर में ही ड्रम स्टिक्स जो थे वो बनाने थे। तो ये समोसास बना रही थी, तो फिर मैंने इनको फ्राई कर लिए। हालांकि मैं जो समोसास भी हैं वो मैं एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पर पकौड़े बना रही थी। और हाँ, ये जो कढ़ाई है ये मेरे पास बहुत पुरानी है, तो ये मैंने अभी कुछ दिनों से निकाल दी है, क्योंकि इस कढ़ाई में बहुत ही मैं अच्छे से बना लेती हूँ और मुझे कोई इस कढ़ाई के साथ एहतियात नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि मैं अगर अपने और बर्तन निकालती हूँ, सच बताऊँ तो मैं कॉन्शियस रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही केयर करती हूँ। तो ये थोड़ी सी पुरानी है, तो बस इसके लिए मैं कोई भी मैं परेशान नहीं होती हूँ। उसके बाद ये है माशाअल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी सी डाइनिंग टेबल, वही दो तरह के जूसेस। अच्छा, ये ठंडे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मेरा जो गला है वो अभी ठीक हुआ है। मुझे वैसे रमज़ान में बहुत से रिंग्स बनाने थे, मगर मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ गाले की वजह से। बस ये कुछ रोल्स बना लिए थे, ये साथ में ड्रम स्टिक्स थे। उसके बाद ये पकौड़े बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इस बार मैंने थोड़े से ना इसमें कुछ अलग किया था। वही चटनी, केचप, खजूरें, साथ में आज मैंने दही भरे भी बना लिए थे, ये हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। साथ में वाटरमेलन, और साथ में मैंने ये समोसास भी बना लिए थे जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए। और बस फ्रूट्स मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि फ्रूट चटनी खाया जा रहा होता है, क्योंकि मुझे ठंडा पसंद है और फरमान मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बस यही है माशाअल्लाह आज की जो हमारी इफ्तारी है वो कुछ इस तरह से है। माशाअल्लाह
उसके बाद हमने बहुत अच्छे से इफ्तार कर लिया था और मेरी जो दवाइयाँ हैं वो अभी भी चल रही हैं, और उसमें से सबसे गंदी वाली जो दवाई है वो ये वाली है। अच्छा, मैं टैबलेट्स ले सकती हूँ मगर मैं सिरप्स नहीं ले सकती। तो पहले मैं इस दवाई को एक घंटा देखती हूँ, फिर दूसरे घंटे में मैं इसको डालती हूँ, फिर तीसरे घंटे में मैं इसको पीती हूँ, और फरमान मुझ पर बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होता है और मेरे सामने खड़े होते हैं, वो मुझे बुला रहे होते हैं। तो बस ये, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ग्रीन टी बना दी थी, क्योंकि मैं सच्ची में बहुत ही लेज़ी हो जाती हूँ। तो आज बस फरमान ने मुझे ग्रीन टी बना दी थी, तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर लिया। और बस यहाँ पर उसके बाद हम नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज के बाद का ही ये सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम जेतो पाकिस्तान लगा लेते हैं, मगर हमारे पास कुछ मसला है, तो हम कुछ दिनों पहले वाला ही देखते हैं, या एक दिन पहले वाला या कुछ दिनों पहले वाला ही देखते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं आ रहा होता है। तो बस यही था सब कुछ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे वाले व्लॉग में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।